शुक्रवार को गया पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गया एसएसपी राजीव मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुख्यात नक्सली राजेश रविदास को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। नक्सली राजेश रविदास की निशानदेही पर जमीन से एक एफएमसी मैगजीन, एक राइफल और 68 कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। वहीं एसएसपी ने बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र से 2 नक्सली रघुवर यादव और रविंद्र यादव को पुल निर्माण कार्य में रेकी के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गया जिला से 56 राइफल और एक जो है 30.06 बोर की राइफल बरामद की गई। साथ ही साथ जो है कारतूस 30.06 बोर का बरामद किया गया। इसके अलावा कई मैगजीन और मैगजीन चार्जर भी उसके पास बरामद किए गए। अभी तक जो है क्या जिसका पता चला है जो है 20 सुरक्षा एजेंसियों को एक पत्र मिला था, जो पत्र जो है प्रद्युम्न शर्मा द्वारा लिखा गया था। उस पत्र में 2 महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख था। एक बात तो ये थी कि जो हथियार आपके पास है, जो सामान है आपका पार्टी का, वो सामान वापस कर दिया। साक्षात पत्र में ही इस बात का भी उल्लेख था कि हमको ये जानकारी है, जो पत्र लिखने वाले हैं उसने कहा था कि हमको जानकारी आप गुजरात में है। उसी पत्र के आधार पर सुरक्षा ने ढूंढ किया था और ढूंढने के क्रम में ही गुजरात से इसकी गिरफ्तारी हुई। ये लगता है जब गिरफ्तारी हुई है अभी पूछताछ करी जा रही है तो कई और सुराग। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में हमने आपको बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में 2 हथियार बरामद हुए। हथियार जो है जो 2017 में सीमा पर उसके बाद जो हथियार सुभाष वहाँ रखे गए और अभी हम लोग फिर से पर और आगे और अन्य मामलों को भी और अन्य चीज़ों के विषय में पूछताछ करते हैं। 2 अन्य व्यक्तियों की जो नक्सल कांडों में पहले से भी वांछित रहे हैं, उनकी 2 अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसमें रघुवीर यादव जो है रजौली थाना नवादा के रहने वाले हैं, साथ ही साथ रविंदर यादव जो है जहानाबाद के रहने वाले हैं। हम लोगों को गया सूचना के आलोक में जो है इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक देसी और बरामद किए, इसके अलावा भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया गया है। लेवी वसूलने के लिए जो रसीद है वो रसीद भी लोगों से बरामद की गई है। हिसाब किताब भी लोगों का है, जिससे 2-3 वर्ष का वो बरामद किया गया है। और साथ ही साथ जो है जो बैठकें इनकी आयोजित हुई, बैठकों में क्या वृत्त तैयार हुआ था, बैठकों में क्या योजना और रूपरेखा बरामद तैयार हुई थी, वो भी बरामद किया गया है। नक्सली द्वारा पोस्टर लगाकर नक्सली संगठन के युवाओं से नक्सल संगठन ज्वाइन करने की अपील को लेकर के गया एसएसपी राजेश मिश्रा ने कहा है कि नक्सल प्रभावित के युवा नक्सलियों के बहकावे में न आए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की हर तरह की मदद करने को तैयार है। जैसा आप लोगों को जानकारी होगा कि पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन, सीआरपीएफ और जो अन्य एजेंसियां काम कर रही हैं जिलों में, नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष केंद्रीय सहायता जो है और अन्य संगठनों की मदद से हम लोगों ने जो है बड़ी संख्या में जो नक्सल क्षेत्रों के जो वल्नरेबल युवा है उनको रोजगार भी दिलाया है और कई युवाओं को प्रतिष्ठित संस्थानों में रोजगार दिलाया गया, उनको लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन सब चीज़ों से बड़ा कर बौखलाहट में, क्योंकि अब उनको जो है नक्सल को जोर करने के लिए बड़ी चीज नई अच्छी युवाओं को इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। कहना चाहूँगा कि जिला प्रशासन और सरकार और जो केंद्रीय एजेंसियाँ यहाँ काम कर रही हैं नक्सल ऑपरेशन से, हम सब लोग मिलकर हम लोगों ने अपनी ड्यूटी में बड़ी व्यापक योजना और रूपरेखा बनाई है कि किस तरह से हमारे साफ टारगेट हो सकते हैं नक्सल के लिए। उन सबको हम नक्सल क्षेत्रों से निकाल कर उनको प्रशिक्षित कराकर उन्हें ट्रेनिंग देकर उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था पूरी करेंगे। आप सभी के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के बाधाओं में युवा नहीं आए और हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत कर रहे हैं। अगर जरूरत है कभी भी तो आकर हम लोगों को मिल सकता है। हम लोग जितना भी संभव होगा जिस प्रकार से भी उसको रोजगार दिलाना है, किसी तरीके से मदद करना, वो पूरे प्रयास करेंगे। जो इस तरह के पोस्टर काट कर निकल जाते हैं और इधर अक्सर कई पोस्टर अलग अलग जगहों लगाए गए हैं, इनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं, ये हम लोगों को सूचना प्राप्त है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लोग गिरफ्तारी हुई, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और हर महीने जो है पिछले 7-8 महीनों में हर महीने औसतन 10-12 नक्सल की गिरफ्तारी हो रही है। जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और आने वाले समय में हम लोग इस अभियान को और तेजी से चलाएंगे और जो भी इस तरह के कार्यों में संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।